हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू क्लास 3 कंप्यूटर्स. चिल्ड्रन, दिस इज़ आर कंप्यूटर बुक आईटी प्लैनेट माय बिट्स एंड बाइट्स कंप्यूटर सीरीज 3. चिल्ड्रन, इन आर प्रीवियस वीडियो वी वर डूइंग चैप्टर 2. सो हियर इज़ चैप्टर 2. चिल्ड्रन, दिस इज़ चैप्टर 2 कंप्यूटर हार्डवेयर. सो चिल्ड्रन, as we were studying about what is a hardware, we have already studied this word in our previous chapter also. This is not a new term to you, and in our previous video also we had studied this word. Hardware means, children, all the components or the equipments which are attached to the computer are called hardware, and these components which are attached to the hardware can be touched or felt. अगर आप जितने भी components computer से attached हैं, जो हम जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, उन सारे components को हम hardware कहते हैं. So all the physical equipments that are attached to a computer are collectively called हार्डवेयर. तो जितने भी कंपोनेंट्स के बारे में चिल्ड्रन हमने अभी तक पढ़ा है और अलग अलग टॉपिक्स में पढ़ा है, फॉर एग्जांपल वी हैव स्टडीड एज इनपुट डिवाइसेस, वी हैव स्टडीड एज आउटपुट डिवाइसेस, ऑल दीज कंपोनेंट्स हैव देयर फिजिकल बॉडी एंड दीज आर अटैच्ड टू द कंप्यूटर. दैट इज़ वाई ऑल दीज पार्ट्स आर कॉल्ड हार्डवेयर. तो हम इस चैप्टर में कुछ भी नया नहीं पढ़ने जा रहे हैं, सिर्फ वी आर गोइंग टू नो अबाउट सम न्यू टर्म्स और वी आर गोइंग टू रीड द सेम इन डिटेल. तो हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, देर इज़ नथिंग विच आर न्यू इन दिस चैप्टर. वॉट एवर वी हैव स्टडीड इन आर प्रीवियस क्लास चिल्ड्रन, सेम थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी इन अंडर अनदर हेडिंग. सिर्फ हेडिंग बदली है लेकिन चीज़ें वही हैं. जैसे कि हमने अभी तक जितनी भी कंप्यूटर के बारे में पढ़ा है, उसके वर्किंग के बारे में पढ़ा है कि कंप्यूटर नीड्स इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म एनी वर्क. फॉर गिविंग इंस्ट्रक्शंस वी नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस, देन वी डू द प्रोसेसिंग. फॉर प्रोसेसिंग वी नीड द पार्ट ऑफ कंप्यूटर, देन वी नीड टू गेट द रिजल्ट. आफ्टर द प्रोसेसिंग ऑफ द work we get result. For result also we need some parts, these parts are called output devices, and after getting the result, children, that result has to be stored somewhere. For that also computer stores the information which we get as a result. So for that we have storage devices. So children, here we have three types of devices. One is input device, second is output device, थर्ड इज प्रोसेसिंग डिवाइस या सिस्टम यूनिट जिसको हम कहते हैं, या फिर स्टोरेज डिवाइस. ऑल दीज टुगेदर फॉर्म कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट. इन सब को मिला करके बनता है हार्डवेयर कंपोनेंट. सो ये हार्डवेयर कंपोनेंट्स कुछ नहीं है, वही सारी चीज़ है जिनके बारे में हमने पढ़ा है. इन सारे कंपोनेंट्स को मिला करके बनता है हार्डवेयर. सो चिल्ड्रन, दीज आर हार्डवेयर कंपोनेंट्स अबाउट विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल. So here, children, you can see the definition of hardware. All the physical components that are attached to a computer are called hardware. So jitne bhi physical components hain ya fir jitne bhi physical equipments hain which are attached to the computer are collectively, sabko ek saath hum hardware kehte hain. All these are collectively known as hardware. So children, you have already studied about hardware, you are familiar with this word. Now children, hardware is the part of computer which you can touch and feel. Ek to physical appearance hota hai iska, dusra aap use chhoo karke mehsoos kar sakte ho. To aap easily identify kar sakte ho ki what is hardware, which part of the computer is hardware. So jitne bhi parts hum dekh sakte hain, hum mehsoos kar sakte hain chhoo karke, use hum hardware kehte hain. So children, for example, keyboard, printer, monitor, speaker, mouse, all these fall in the category of hardware. तो hardware का जो category है उसमें ये सारी चीज़ें आते हैं. इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें about which we will be reading in further in the chapter.
जिसके बारे में हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे. सो चिल्ड्रन यू कैन सी द पिक्चर ऑल्सो, हियर यू कैन सी द पिक्चर. अब यू मस्ट बी सेइंग ना तो ये इनपुट डिवाइसेस है ना तो ये आउटपुट डिवाइसेस है. यहाँ पे जो भी चीज़ें हमको दिख रही हैं सब कुछ मिला करके, इसमें इनपुट डिवाइसेस भी हैं, आउटपुट डिवाइसेस भी हैं, प्रोसेसिंग यूनिट भी है. सो इन सारी चीज़ों को मिला करके बनता है हार्डवेयर. जितने भी हमने कंपोनेंट्स पढ़े हैं अभी तक कंप्यूटर के, चाहे हमने उनको इनपुट के नाम से पढ़ा है, चाहे हमने उन्हें आउटपुट के नाम से पढ़ा है, चाहे हमने उनको स्टोरेज डिवाइस के नाम से पढ़ा है, या फिर हमने उनको प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से पढ़ा है, ऑल दीज फॉल इन द सेम कैटेगरी ऑफ हार्डवेयर. सो ये सारे हार्डवेयर के कैटेगरी में आते हैं. सो चिल्ड्रन इट इज़ रिटन हियर, लैपी सेज दीज आर कंप्यूटर हार्डवेयर. ये सारे चीज़ें जो भी हमको दिखाई दे रहे हैं चिल्ड्रन, दीज आर कंप्यूटर हार्डवेयर. वॉट आर दीज थिंग्स? दीज आर स्पीकर, CPU, मोनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर. ये सारी चीज़ों के बारे में हम पहले से जान रहे हैं, बस हम इनको अलग कैटेगरी के अंदर पढ़ने जा रहे हैं. हम इनको एक, ये सारी चीज़ें जिनको हमने अभी तक अलग अलग कैटेगरी में पढ़ा था, हमको अब पता चला कि ये सारी चीज़ें एक ही कैटेगरी में फॉल करते हैं. दैट कैटेगरी इज़ कॉल्ड हार्डवेयर. तो यहाँ पे स्पीकर इज़ अ आउटपुट डिवाइस. अभी तक हमने पढ़ा था कि स्पीकर जो होता है वो हमें आउटपुट देता है, हमें गाना सुनाता है. जो कंप्यूटर है हमें स्पीकर के थ्रू हमें गाना सुनाता है. वी लिसन टू द म्यूज़िक विद द हेल्प ऑफ स्पीकर. वी कैन लिसन टू द सॉन्ग्स विद द हेल्प ऑफ स्पीकर. तो स्पीकर गिव्स द रिजल्ट और इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस. उसके बाद जो CPU होता है, दिस इज़ प्रोसेसिंग यूनिट. हम इसको सिस्टम यूनिट कहते हैं. ये हमारे लिए प्रोसेसिंग करता है. तो वॉट एवर प्रोसेसिंग इज़ डन इन द कंप्यूटर इज़ डन थ्रू द CPU. तो अभी तक हम इसको प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जान रहे थे. नाउ इट इज़ अ टाइप ऑफ हार्डवेयर. देन मॉनिटर इज़ एन आउटपुट, दिस ऑल्सो गिव्स अस रिजल्ट. कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस, माउस इज़ एन इनपुट डिवाइस, एंड प्रिंटर इज़ ऑल्सो इज़ अनदर आउटपुट डिवाइस. सो ये सारी चीज़ें, स्टोरेज, यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस नहीं दिया है, स्टोरेज डिवाइसेस जिनके बारे में हमने पढ़ा था, जैसे कि CD हो गया, आपका DVD हो गया, पेन ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ये सारे भी आपके हार्डवेयर में आते हैं. सो चिल्ड्रन ऑल दोज थिंग्स अबाउट विच वी हैव स्टडीड टिल नाउ अंडर डिफरेंट कैटेगरीज फॉल इन टू द सेम कैटेगरी, दैट इज़ हार्डवेयर. हमने इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, या फिर हमने कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पढ़ाया है, या प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में पढ़ा है, ये सब एक ही कैटेगरी में फॉल करते हैं और जिसको हम कहते हैं हार्डवेयर. सो आई होप चिल्ड्रन, कल के वीडियो में भी मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई थी, आज फिर आपको रिवाइज कर रही हूँ. सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड. उसके बाद चिल्ड्रन वी हैव नेक्स्ट, ऑन नेक्स्ट पेज वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द हार्डवेयर कंपोनेंट. सो वॉट एवर आई टोल्ड यू जस्ट नाउ ऑल कम्स इन द कैटेगरी कॉल्ड हार्डवेयर कंपोनेंट. तो अभी मैंने आपको इनपुट डिवाइस के बारे में बताया, मैंने आपको आउटपुट डिवाइस के बारे में बताया, आई टोल्ड यू अबाउट स्टोरेज डिवाइस, एंड देन आई टोल्ड यू अबाउट सिस्टम यूनिट. ऑल दीज फॉल इनटू अ सिंगल कैटेगरी दैट इज़ कॉल्ड हार्डवेयर कंपोनेंट. तो हार्डवेयर इंक्लूड्स वेरियस components like input devices, output devices, storage devices and system unit. तो component जो computer की main चीज़ें, जितनी भी main चीज़ें जिनके बारे में अभी तक हमने पढ़ा था, ये सारी क्या हैं, ये सारी हार्डवेयर कहलाते हैं. तो ये सारे components जो हैं, ये सारे जो parts हैं, these are known as हार्डवेयर कॉम्पोनेंट्स. इनको हम हार्डवेयर कॉम्पोनेंट्स कहते हैं. सो चिल्ड्रन वी विल बी रीडिंग अबाउट दीज कॉम्पोनेंट्स वन बाई वन इन द चैप्टर. सो टुडेज टॉपिक इज हार्डवेयर कॉम्पोनेंट्स. वी विल बी रीडिंग अबाउट दीज डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स वन बाई वन इन दिस चैप्टर. अब इन अलग अलग कॉम्पोनेंट्स के नीचे भी वी हैव सेवरल थिंग्स. जैसे कि इफ़ यू टॉक अबाउट इनपुट डिवाइसेज चिल्ड्रन, इनपुट डिवाइस में वी हैव डिफरेंट डिवाइसेज. फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन, इनपुट डिवाइसेज में वी हैव कीबोर्ड, देन वी हैव माउस, देन वी हैव स्कैनर, देन वी हैव जॉयस्टिक, एंड देन वी हैव माइक्रोफोन, एंड देन वी हैव डिजिटल कैमरा, फिर वी हैव टच स्क्रीन. टच स्क्रीन से भी हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को. तो दीज आर द डिफरेंट इनपुट डिवाइसेज अबाउट विच वी हैव स्टडीड इन आर प्रीवियस क्लास. लेकिन वो हमने इनपुट डिवाइस के फॉर्म में पढ़ा था. अब इस इनपुट डिवाइस को हम एक और हेडिंग के अंदर पढ़ेंगे, दैट इज़ हार्डवेयर कॉम्पोनेंट्स. तो देर इज़ नथिंग न्यू एंड इट इज़ वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड, और आपको भी आई होप कि समझ में आ रहा होगा. तो आर नेक्स्ट टॉपिक इज़ हार्डवेयर
कंपोनेंट, और आज आर टुडेज टॉपिक इज हार्डवेयर कंपोनेंट। इसका हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था, इनपुट डिवाइस का कीबोर्ड हमने पढ़ा था। लेट अस रिवाइज एंड रीड द रिमेनिंग वंस। चिल्ड्रन, आज हम पढ़ेंगे हार्डवेयर कंपोनेंट। हार्डवेयर कंपोनेंट का मतलब होता है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस एंड सिस्टम यूनिट। इन सब को मिला करके हम हार्डवेयर कंपोनेंट कहते हैं, ठीक है। इन सब को मिला करके हम हार्डवेयर कंपोनेंट कहते हैं, इन सब को मिला करके हम हार्डवेयर कंपोनेंट कहते हैं। और सबसे पहला हमारा हार्डवेयर कंपोनेंट है चिल्ड्रन इनपुट डिवाइस। आप सभी को मालूम है कि इनपुट डिवाइस में क्या क्या होता है। सो चिल्ड्रन, इनपुट डिवाइस, अ हार्डवेयर कंपोनेंट दैट अलाउज यू टू एंटर डेटा इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। सो ये वो कंपोनेंट्स है जो हमें अलाउ करते हैं टू गिव इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। सो चिल्ड्रन, एज वी हैव स्टडीड, इनपुट डिवाइस का मतलब होता है दीज आर द पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच अलाउ अस टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। फॉर एग्जांपल, इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ कीबोर्ड, कीबोर्ड इज यूज फॉर गिविंग इंस्ट्रक्शंस इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स एंड नंबर्स। कीबोर्ड पे वर्ड्स और नंबर्स होते हैं, तो हम कीबोर्ड से वर्ड्स और नंबर कंप्यूटर को प्रोवाइड कर सकते हैं। सो सिमिलरली चिल्ड्रन, वी हैव डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस, सो लेट अस रीड अबाउट दीज वन बाय वन। तो फर्स्ट टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस हमारा है कीबोर्ड। यू आर वेरी मच फेमिलियर विद कीबोर्ड चिल्ड्रन, यू हैव स्टडीड इन क्लास वन ऑल्सो एंड टू ऑल्सो। आपने कीबोर्ड देखा भी है और आपने यूज़ भी किया है। तो कीबोर्ड क्या है, वॉट इज़ अ कीबोर्ड? कीबोर्ड इज़ अ इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का मतलब होता है वो डिवाइस जिससे हम कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं। इंस्ट्रक्शंस नंबर के फॉर्म में हो सकता है या वर्ड के फॉर्म में होता है, क्योंकि कीबोर्ड पे नंबर्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं। तो हम इन दो फॉर्म में कीबोर्ड को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। वर्ड से हम कुछ लिख सकते हैं और नंबर से हम कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, टेबल्स लिख सकते हैं, काउंटिंग्स लिख सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। सो चिल्ड्रन, कीबोर्ड पे छोटे छोटे कीज होते हैं ना, बटन्स होते हैं, जिसको हम कीज़ कहते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता है। एंड बट देयर आर मेनी बटन्स ऑन इट, दीज आर कॉल्ड कीज़। सो लेट अस रिवाइज जो पढ़ा है और जो और भी कुछ हमें पढ़ना है, चलिए हम इसको पढ़ते हैं। सो चिल्ड्रन, अ कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू एंटर डेटा इनटू द कंप्यूटर। देयर आर मेनी बटन्स ऑन इट कॉल्ड कीबोर्ड। सो देर आर मेनी बटन्स प्रेजेंट ऑन द कीबोर्ड, दीज बटन्स आर कॉल्ड कीज। इन बटन्स को हम कीज कहते हैं। दीज कीज आर प्रेस्ड टू एंटर डेटा इन टू द कंप्यूटर। इन कीज को प्रेस करके हम कंप्यूटर मोड में डेटा को एंटर करते हैं, या फिर हम प्रोवाइड करते हैं, या फिर हम गिव करते हैं। देन चिल्ड्रन, द कीबोर्ड ऑफ अ डेस्कटॉप कंप्यूटर टिपिकली हैज़ 101 to 105 कीज। सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि जो हमारे एक नॉर्मल डेस्कटॉप का कीबोर्ड होता है उसमें 101 से लेकर के 105 तक कीज़ होते हैं। सो चिल्ड्रन, सबसे पहले कि जो कीबोर्ड है ये एक इनपुट डिवाइस है। चिल्ड्रन, मैंने पहले भी आपको बताया है कि कंप्यूटर इज़ अ मैन मेड डिवाइस, वो अपने आप कोई भी काम नहीं करता। इसलिए हमें टाइम टू टाइम जब भी हमें कोई काम करना रहता है कंप्यूटर से, हम उसे डेटा प्रोवाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ वर्क वी आर डूइंग। तो अगर हम को डेटा नंबर्स और वर्ड्स के फॉर्म में प्रोवाइड करना है तो वी यूज़ कीबोर्ड, हम कीबोर्ड को यूज़ करते हैं, क्योंकि देर आर सेवरल बटन्स प्रेजेंट ऑन द कीबोर्ड। देर आर मेनी बटन्स प्रेजेंट ऑन द कीबोर्ड। मेनी या सेवरल का मतलब होता है बहुत सारे छोटे छोटे बटन्स होते हैं जिसको हम कीज़ कहते हैं। दीज आर द कीज़, ये छोटे छोटे इस पे जो बटन्स है इसको हम कीज़ बोलते हैं। दीज कीज़ आर प्रेस्ड, हम इन कीज़ को प्रेस करते हैं टू एंटर डेटा। डेटा को एंटर करने के लिए हम इन कीज़ को प्रेस करते हैं और इस तरह से हम डेटा कंप्यूटर में एंटर होता है। नाउ द कीबोर्ड ऑफ अ नॉर्मल डेस्कटॉप, एक जो जनरल डेस्कटॉप होता है जिसको नॉर्मली हम स्कूल्स वगैरह में यूज़ करते हैं चिल्ड्रन, उसमें टिपिकली उसमें नॉर्मली 101 से लेकर के 105 कीज़ होते हैं। सो कीबोर्ड इज़ वन ऑफ द इनपुट डिवाइस एंड विच इज़ ऑल्सो अ हार्डवेयर कॉम्पोनेंट। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जो एक हार्डवेयर कॉम्पोनेंट भी है। देन चिल्ड्रन, सेकेंड पार्ट ऑफ इनपुट डिवाइस दैट इज़ हार्डवेयर कॉम्पोनेंट इज़ माउस। दूसरा कॉम्पोनेंट है माउस। सो वंस अगेन, इफ़ यू वॉन्ट टू
feed data of you, if you want to provide data to the computer, this mouse can also be used. And you very well know that, children, mouse has two buttons. Usme two buttons hote hain and a wheel. You can see in the picture also. This is a picture of a mouse. ये एक माउस का पिक्चर है. ये माउस का पिक्चर हम आप सभी जानते हो. हम इसे माउस क्यों कहते हैं? क्योंकि इट रिजेंबल्स अ रियल माउस एट आर होम्स. हमारे घर में जो रियल माउस होता है इसी के शेप का ये माउस होता है, इसलिए हम इसको माउस कहते हैं. और माउस जो होता है इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इनपुट डिवाइस. जो माउस है वो भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है. ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि माउस एक इनपुट डिवाइस है और विच फिट्स कम्फर्टेबली अंडर द पाम ऑफ योर आर्म. आपको मैंने माउस होल्ड करके भी बताया है कि कितने आराम से हम अपने पाम में माउस को एडजस्ट कर लेते हैं, फिट कर लेते हैं एंड वी कैन वर्क ऑन द माउस. सो देर आर सम फ्यू वर्क इन द कंप्यूटर विच कैन ओनली बी डन यूजिंग बाई यूजिंग द माउस. जैसे कि अगर आप ड्राॅइंग करना चाहते हो, आप कलर करना चाहते हो, तो यू नीड अ माउस. अगर आपको कोई चीज़ सेलेक्ट करना है, मूव करना है, पॉइंट करना है, तो यू नीड अ माउस. सो देर आर सेवरल टास्क विच कैन बी डन ओनली बाई यूजिंग द माउस. तो चिल्ड्रन, लेट अस सी वॉट इज़ रिटन हेयर. चिल्ड्रन, अ माउस इज़ अ इनपुट डिवाइस. एज आई टोल्ड यू, माउस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस दैट फिट्स कम्फर्टेबली अंडर द पाम ऑफ योर हैंड. आपके हाथ का जो पाम होता है उसके अंदर आराम से आ जाता है. और इट इज़ यूज टू ड्रॉ पिक्चर्स एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट. आपके स्क्रीन पे कोई ऑब्जेक्ट है, उसे सेलेक्ट करना है, मूव करना है, पॉइंट करना है, तो वी नीड अ माउस. और अगर आपको ड्रॉ करना है या कलर करना है तो आप माउस का यूज़ करते हो. उसके बाद चिल्ड्रन, अगर आपको कोई गेम खेलना है, दैट टाइम ऑल्सो यू नीड अ माउस. द टॉप ऑफ अ माउस हैज़ टू बटन्स. आपने अगर देखा है तो ये एक बटन होता है माउस में और एक राइट हैंड साइड में, मीन्स उसके दोनों साइड्स में देर इज़ अ स्मॉल व्हील एट द सेंटर. दोनों बटन्स के बीच में व्हील होता है. एक को हम लेफ्ट बटन कहते हैं और दूसरे को हम राइट बटन कहते हैं. तो देर आर टू बटन्स. वन इज़ टुवर्ड्स द लेफ्ट, सो इट इज़ नोन एज लेफ्ट माउस बटन. एंड द अदर वन इज़ टुवर्ड्स द राइट, सो इट इज़ नोन एज राइट माउस बटन. और इन बिटवीन दीज टू बटन्स चिल्ड्रन, देर इज़ अ स्क्रॉल बटन. इसको हम स्क्रॉल बटन कहते हैं या फिर हम इसको व्हील कहते हैं. दिस व्हील इज़ यूज्ड फॉर स्क्रॉलिंग द स्क्रीन. आपको स्क्रीन को ऊपर नीचे करना है, आपको मेन्यू को ऊपर नीचे करना है, आपको कोई नेम लिस्ट है उसको ऊपर नीचे करके देखना है, तो यू नीड दिस स्क्रॉल बटन. सो चिल्ड्रन, दीज आर द माउस हैज़ टू बटन्स एंड अ व्हील. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ माउस पॉइंटिंग डिवाइस. पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब होता है किसी चीज़ को पॉइंट करना. आपको सभी को मालूम है कि माउस इज़ यूज टू पॉइंट समथिंग डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है तो उसको पॉइंट करने के लिए. आपने देखा होगा, वेन एवर आई शेयर अ स्क्रीन आई पॉइंट यू एनीथिंग ऑन द स्क्रीन थ्रू द पॉइंटिंग डिवाइस. एक एरो के शेप में आपने देखा होगा आपके स्क्रीन में चिल्ड्रन, उस पॉइंटिंग को डिवाइस को यूज़ करके हम किसी भी चीज़ को शो करते हैं या पॉइंट करते हैं. सो चिल्ड्रन, इसीलिए इसको हम पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं. इसीलिए हम इसको पॉइंटिंग माउस पॉइंटर भी कहते हैं. पॉइंटिंग डिवाइस को वी कॉल इट एज माउस पॉइंटर ऑल्सो. क्यों माउस पॉइंटर पॉइंटिंग डिवाइस को कहते हैं? क्योंकि इट इज़ कंट्रोल्ड बाई द माउस. एज वी कंट्रोल दिस माउस पॉइंटर यूजिंग द माउस, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ये पॉइंटिंग डिवाइस या माउस पॉइंटर भी कहलाता है. उसके बाद चिल्ड्रन, दिस माउस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर एज इट डज सेवरल इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर यू व्हेन यू वर्क ऑन द कंप्यूटर. हाँ, बहुत सारे ऐसे काम करते हो जो कोई और कंप्यूटर का पार्ट कांट बी डू, कांट किसी और कंप्यूटर के पार्ट से आप नहीं कर सकते हो. सो चिल्ड्रन, इन दिस वे दिस इज़ अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर और इट इज़ अनदर इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस विच कम्स अंडर हार्डवेयर कंपोनेंट. तो ये भी एक तरह का हार्डवेयर कंपोनेंट है. सो चिल्ड्रन, नेक्स्ट हार्डवेयर कंपोनेंट इज स्कैनर और इनपुट डिवाइसेस स्कैनर. सो चिल्ड्रन, अबाउट स्कैनर ऑल्सो वी हैव स्टडीड इन आर प्रीवियस चैप्टर. हमने अपने पिछले चैप्टर में स्कैनर के बारे में भी पढ़ा था. ये जो स्कैनर है चिल्ड्रन, ये एक तरह से
प्रिंटर की तरह होता है, जिस तरह से प्रिंटर हमको आउटपुट देता है, ये इनपुट करता है। ये पहले तो फ़ोटो लेता है किसी भी चीज़ का, उसके बाद वो कंप्यूटर को प्रोवाइड करता है, मतलब वो बाहर ना देने की जगह वो कंप्यूटर में देता है, इसलिए हम इसको इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कि प्रिंटर हमको बाहर देता है, हमको आउटपुट देता है, इसलिए उसको आउटपुट कहते हैं। लेकिन स्कैनर है, किसी चीज़ की भी फ़ोटो निकाल करके, इमेज निकाल करके, टेक्स्ट या ड्राइंग को जो भी वो निकालता है, चाहे वो फ़ोटो की इमेज निकालता है, टेक्स्ट की इमेज निकालता है या ड्राइंग की इमेज निकालता है, ये सारी चीज़ें वो कंप्यूटर को प्रोवाइड करता है। दैट इज़ व्हाई इट इज़ नोन एज इनपुट डिवाइस, इसीलिए हम इसको इनपुट डिवाइस कहते हैं। आपने देखा होगा, इट इज़ जस्ट लाइक अ फोटो कॉपियर मशीन, ये एक फ़ोटो कॉपियर मशीन की तरह होता है। आपने कभी भी अगर किसी चीज़ का फ़ोटो निकलवाया होगा तो आपने देखा होगा कि व्हेन यू गो फॉर प्रिंट आउट, ये फ़ोटो कॉपी करवाने जाते हो किसी भी चीज़ का, तो इसी तरह की बड़ी सी मशीन होती है, स्कैनर की तरह ही देखने में होती है, काम भी वैसा करती है, लेकिन वो बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं। सो दीज स्कैनर्स आर यूज्ड टू गिव इनपुट इनटू द कंप्यूटर। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इमेज, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ड्राइंग। सबकी वो फोटो क्लिक निकाल करके फिर कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड करता है या इंस्ट्रक्शंस देता है। सो चिल्ड्रन, दिस इज अनदर पार्ट ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट। देन ये एक और हार्डवेयर कंपोनेंट है। देन नेक्स्ट वन इज जॉयस्टिक। सो चिल्ड्रन, एज यू नो अबाउट जॉयस्टिक ऑल्सो, यू हैव स्टडीड व्हेन यू वर स्टडिंग अबाउट इनपुट डिवाइसेस। जॉयस्टिक इज ऑल्सो यूज फॉर गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। एज वी नो चिल्ड्रन, जॉयस्टिक इज अ टाइप ऑफ डिवाइस विच इज़ यूज टू गिव इंस्ट्रक्शंस वाइल प्लेइंग। हम जब गेम खेल रहे होते हैं तो जॉयस्टिक से हम लेफ्ट राइट मूव करते हैं और गेम खेलते हैं। तो जो भी ऑब्जेक्ट हमको स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है, जो भी इमेज होती है, उसको हम मूव करने के लिए जॉयस्टिक के में का यूज़ करते हैं वाइल प्लेइंग। तो यहाँ पे भी दिस जॉयस्टिक इज़ वन ऑफ द इनपुट डिवाइस, क्योंकि हम इंस्ट्रक्शंस किसको दे रहे हैं? वी आर गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर, वी आर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर। सो ये हो गया एक तरह का इनपुट डिवाइस। एंड अ जॉयस्टिक इज़ एन इनपुट डिवाइस दैट कैन बी अटैच टू द कंप्यूटर, जिसको हम कंप्यूटर से अटैच करके वी कैन प्ले गेम। तो हम इसको गेमिंग के लिए यूज़ करते हैं। एंड इट इज़ यूज टू कंट्रोल डिफरेंट मूवमेंट्स इन अ गेम। गेम में किसी भी इमेज के मूवमेंट को या किसी भी तरह के मूवमेंट को ये कंट्रोल करता है बाय मूविंग इट लेफ्ट और राइट। लेफ्ट और राइट मूव करके ये किसी भी इमेज को या किसी भी मूवमेंट में हेल्प करता है। सो दिस इज़ अनदर इनपुट डिवाइस एंड इट इज़ वन ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑफ अ हार्डवेयर। सो ये भी एक तरह का हार्डवेयर कॉम्पोनेंट है। सो चिल्ड्रन, नेक्स्ट वन इज माइक्रोफोन। माइक्रोफोन के थ्रू वी यूजिंग द माइक्रोफोन ऑल्सो वी गिव इंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ वॉइस। हम अपने वॉइस को रिकॉर्ड करके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं एंड दिस इज थ्रू द माइक्रोफोन। सो दैट इज़ वाई माइक्रोफोन इज़ वन ऑफ द इनपुट डिवाइस हियर। यहाँ पे जो माइक्रोफोन है एक इनपुट डिवाइस है, इसके थ्रू हम अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो आवाज़ के फॉर्म में देते हैं, इन द फॉर्म ऑफ वॉइस। यू कैन रिकॉर्ड एनी टाइप ऑफ वॉइस, आप किसी भी तरह के वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, इंक्लूडिंग योर ओन वॉइस एंड सेव इट ऑन अ कंप्यूटर। आप फिर उसको सेव कर सकते हैं और इस यहाँ पे हम जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं वॉइस के फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे हैं। सो हियर, और ये वॉइस हम किससे रिकॉर्ड कर रहे हैं? माइक्रोफोन से प्रोवाइड कर रहे हैं, किससे दे रहे हैं। दैट इज़ वाई माइक्रोफोन इज़ कॉल्ड इनपुट डिवाइस एंड इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द हार्डवेयर कॉम्पोनेंट। ये भी एक तरह का हार्डवेयर कॉम्पोनेंट है। नाउ चिल्ड्रन, नेक्स्ट वन इज डिजिटल कैमरा। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि डिजिटल कैमरा इज़ ऑल्सो वन ऑफ द, जिसे हम डिजी कैम भी कहते हैं, इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इनपुट डिवाइस। ये भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है जो फोटो कैप्चर करता है, वीडियो बनाता है, वीडियो कैप्चर करता है, और उसके बाद आप जो कंप्यूटर है उसको वीडियो के फॉर्म में इंफॉर्मेशन दे सकते हो, इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो। दैट इज़ वाई दिस इज़ ऑल्सो नोन एज वन ऑफ द इनपुट डिवाइस। सो चिल्ड्रन, डिजिटल कैमरा ऑल्सो नोन एज डिजी कैम, इसको हम डिजी कैम भी कहते हैं, हम इसे वेब कैम भी कह सकते हैं, और इट इज़ एन इनपुट डिवाइस बिकॉज यूजिंग दिस वी गिव इनपुट टू द कंप्यूटर विच इज़ यूज टू कैप्चर एंड स्टोर फोटोग्राफ्स इलेक्ट्रॉनिकली इनटू द कंप्यूटर। हम इलेक्ट्रॉनिकली से
फोटो कैप्चर कर सकते हैं या फिर हम वीडियो भी बना सकते हैं और उसके बाद हम इसको कंप्यूटर को प्रोवाइड कर सकते हैं. सो दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस एंड इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द हार्डवेयर कॉम्पोनेंट. देन चिल्ड्रन नेक्स्ट वन इज़ टच स्क्रीन. एज यू नो चिल्ड्रन नाउअडेज वी हैव लैपटॉप्स, वी हैव स्मार्टफोन्स, वी हैव टैबलेट्स, ऑल दीज हैव टच स्क्रीन्स. इनके टच स्क्रीन्स होते हैं और टच स्क्रीन का मतलब होता है कि वी कैन ऑपरेट द सेम टैबलेट या स्मार्टफोन यूजिंग द टच स्क्रीन. टच स्क्रीन को यूज़ करके हम इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, जो हम कीबोर्ड से इंस्ट्रक्शंस देते हैं या फिर हम माउस से इंस्ट्रक्शंस देते हैं, हम स्क्रीन को टच करके भी इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं. तो टच स्क्रीन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इनपुट डिवाइस थ्रू विच द डेटा इज़ एंटर्ड बाई सिंपली टचिंग द स्क्रीन. आपने देखा होगा टैबलेट फ़ोन्स जो होते हैं या फिर स्मार्टफोन होते हैं, उनमें टच स्क्रीन पाया जाता है और टैबलेट फ़ोन और स्मार्टफोन जो होते हैं इनके स्क्रीन को टच करके हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं. जो भी हमको करना है हम उनके स्क्रीन को ही छू करके उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं. इसीलिए ये टच स्क्रीन भी एक तरह का इनपुट डिवाइस हो गया. सो टच स्क्रीन को भी हम इनपुट डिवाइस करते हैं. हम अपनी उंगली से उसको छू करके वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं सिंपली बाय टचिंग. अपने उंगली से सिंपली स्क्रीन को टच करके वॉट एवर इंस्ट्रक्शंस वी वांट टू गिव हम दे सकते हैं. जैसे हम नॉर्मली कीपैड को छू करके कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं या किसी भी कंप्यूटर टाइप ऑफ कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, यहाँ पे हम स्क्रीन को छू करके ऑपरेट कर सकते हैं. तो यहाँ पे स्क्रीन क्या हो गया, टच स्क्रीन क्या हो गया, ये भी एक तरह का इनपुट डिवाइस हो गया. तो हियर चिल्ड्रन टच स्क्रीन इज एन इनपुट डिवाइस थ्रू विच द डेटा कैन बी एंटर्ड. टच स्क्रीन इज एन इनपुट डिवाइस थ्रू विच द डेटा इज एंटर्ड बाई सिंपली टचिंग द स्क्रीन. द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन इज पॉइंटेड यूजिंग अ फिंगर. सिर्फ अपने फिंगर को यूज़ करके हम चीज़ों को पॉइंट कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं या और भी कोई इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं और ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं. एंड द फिंगर एक्ट्स एज द पॉइंटिंग डिवाइस. यहाँ पे पॉइंटर नहीं पॉइंटिंग डिवाइस की तरह एक्ट करता, बल्कि हियर योर फिंगर इज एक्टिंग एज अ पॉइंटिंग डिवाइस. सो चिल्ड्रन टच स्क्रीन इज अनदर इनपुट डिवाइस एंड इट इज़ वन ऑफ द हार्डवेयर कंपोनेंट. ये भी एक तरह का हार्डवेयर कंपोनेंट्स है. तो चिल्ड्रन टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट ऑल द इनपुट डिवाइसेज दैट आर हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑल्सो. जैसा कि मैंने बताया जितनी भी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा है, चाहे वो इनपुट डिवाइसेस हो, आउटपुट डिवाइसेस हो, स्टोरेज डिवाइसेस हो या फिर सिस्टम यूनिट हो, ये सारी चीज़ें हार्डवेयर कंपोनेंट के अंदर आते हैं. तो टुडे वी हैव स्टडीड ऑल दोज हार्डवेयर कंपोनेंट्स विच आर इनपुट डिवाइसेस. तो हमने सारे इनपुट डिवाइसेस को पढ़ा जो कि हार्डवेयर कंपोनेंट्स है. सो चिल्ड्रन गो थ्रू द चैप्टर, रीड ऑल द टॉपिक्स विच वी हैव डिस्कस्ड टुडे एंड लर्न ऑल द डिफिकल्ट वर्ड. सो लेट अस रिवाइज वॉट वी डिड टूडे चिल्ड्रेन. वी स्टार्टेड फ्रॉम द हार्डवेयर कॉम्पोनेंट. हार्डवेयर कॉम्पोनेंट्स इंक्लूड्स वेरियस कॉम्पोनेंट्स लाइक इनपुट डिवाइसेज, आउटपुट डिवाइसेज, स्टोरेज डिवाइसेज, सिस्टम यूनिट. सो चिल्ड्रेन ऑल दीज फोर पार्ट टाइप्स ऑफ हार्डवेयर कॉम्पोनेंट्स आर फेमिलियर विथ वी ऑल. हमने इन सब के बारे में पढ़ा है, सिर्फ हमने इनको अलग नाम से पढ़ा है. अब इन सबको एक साथ मिला करके हम इसको हार्डवेयर कॉम्पोनेंट के फॉर्म में पढ़ेंगे कि ये जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो इनपुट डिवाइस है, चाहे वो आउटपुट डिवाइस है, चाहे वो स्टोरेज डिवाइस है, चाहे वो सिस्टम यूनिट है, जितनी भी चीज़ें अभी तक हमने कंप्यूटर के बारे में पढ़ा है वो सारी चीज़ें हार्डवेयर कॉम्पोनेंट के बारे में के एक तरह के हार्डवेयर कॉम्पोनेंट है. क्योंकि चिल्ड्रन अभी तक हमने उसके फिजिकल पार्ट को ही पढ़ा है. हमने क्लास वन में भी फिजिकल पार्ट पढ़ा था, क्लास टू में भी फिजिकल पार्ट पढ़ाया था, क्लास थ्री में भी अभी तक हमने जितना भी फिजिकल पार्ट के बारे में पढ़ा है वो सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें हमने अभी तक कंप्यूटर के बारे में पढ़ा है, ऑल दिस कम्स अंडर हार्डवेयर कंपोनेंट. तो ये सारी चीज़ें हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं. तो सबसे पहला टॉपिक इज इनपुट डिवाइस. सो इन इनपुट डिवाइस वी हैव लर्नड अबाउट सेवरल इनपुट डिवाइसेस. सो द हार्डवेयर कंपोनेंट दैट अलाउज यू टू एंटर डेटा, वो हार्डवेयर कंपोनेंट जो कि आपको डेटा एंटर करने में हेल्प करता है, अलाउ करता है या इंस्ट्रक्शंस देने में कंप्यूटर को हेल्प करता है, इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस. सो ऑल दोज पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर विच आर यूज्ड टू गिव इनपुट टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस. एंड दीज डिवाइसेस आर चिल्ड्रन कीबोर्ड. अभी तक हमने कीबोर्ड के बारे में पढ़ा. देन वी स्टडीड अबाउट माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन,
डिजिटल कैमरा, टच स्क्रीन. सो ऑल दीज आर इनपुट डिवाइसेज. ये सारे इनपुट डिवाइसेज हैं. दे गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर इन वन फॉर्म और द अदर. वो एक या दूसरे फॉर्म में अलग अलग तरह से ये इनपुट प्रोवाइड करते हैं. कोई वॉइस के फॉर्म में देता है, कोई टच स्क्रीन के फॉर्म में देता है, कोई फोटोग्राफ्स के फॉर्म में देता है, कोई वर्ड्स और नंबर के फॉर्म में देता है, कोई बाय सेलेक्टिंग द आइटम और ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन और बाय मूविंग द आइटम्स ऑन द स्क्रीन. और सो सबका अलग अलग तरीका है, बट ऑल दीज आर इनपुट डिवाइसेस एंड दीज कम्स अंडर हार्डवेयर कंपोनेंट. इनको हम हार्डवेयर कंपोनेंट्स भी कहते हैं. सो चिल्ड्रन, टुडे वी लर्नड अबाउट फर्स्ट वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ हार्डवेयर. In our next video, we will be reading about remaining components of hardware. So children, go through the chapter, learn all the difficult words, and you have complete week. Within these weeks, children, one by one, you can write each and every spelling and learn the spelling. It is very important to learn the spelling and try to understand or know the meaning also. Agar aapko phir bhi koi doubt hai, to aap online class mein mere se pooch sakte hain. Jahan pe aapko koi doubt hai, aap mere se pooch sakte hain, and we will discuss about it in that there. And so children, let's come to the end of this video. Go through the chapter, learn and revise all the topics which we have done during these two sessions. Children, we will meet once again in our next video. Till then, thank you. Stay at home and take all the precautions, children, to be away from this dangerous pandemic disease, children, called as coronavirus. आप अपने आप को भी बचाओ, अपनी फैमिली को भी बचाओ, और कोशिश करो कि घरों में रहो और सेफ रहो. सो चिल्ड्रन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड.